वन प्लस 10 प्रो। हाँ गाइज, यहाँ पे वन प्लस की तरफ से वन प्लस का 10 प्रो भाई आजकल बहुत ज़्यादा लीक्स पे चल रहा है, और ये फ़ोन 11 जनवरी मतलब परसों के दिन जो है ये चाइना के अंदर लॉन्च हो जाने वाला है। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में कि इंडिया में क्या होगा, इंडिया में क्या प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगी और क्या लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है, और आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वन प्लस की तरफ से जो वन प्लस 10 प्रो है ना भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया। इन लोगों ने यहाँ पे इस बार नया फोन ला रहे हैं। चलिए बात करता हूँ मैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे मैं आपको मैंने बताया कि भाई 11 जनवरी को ये चाइना के अंदर लॉन्च हो रहा है, इंडिया में मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। चलिए सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आया, बिल्ड डिजाइन आप लोग देख सकते हैं, फोटो जो है लीक निकल के आई जो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा और बहुत ज्यादा प्रीमियम लगा। मतलब दिखने में आप कह सकते हैं कुछ नया किया है वन प्लस ने, नहीं पुराना डिजाइन लेके आ गए, नहीं अच्छा है, बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। कैमरा की मुझे शेप थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, बट आप बिल्ड डिजाइन की बात करेंगे मुझे बढ़िया लगा। डिस्प्ले बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो एक क्यूड HD डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिस्प्ले देखने मिलने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को भाई नया जनरेशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात यहाँ पे की हुई है, और कर्व्ड भी होने वाला है, तो डिस्प्ले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने, और सबसे बढ़िया टॉप टॉप वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो मुझे बढ़िया लगा। और इन डिस्प्ले परफॉर्मेंस भी आपको देखने मिल जाएगा। चिपसेट में आ जाता हूँ, तो चिपसेट में भी आप लोग जानते हैं भाई वन प्लस अपने जो प्रो वाले स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें एकदम टॉप एंड परफॉर्मेंस देता है, एंड उसमें ही आप लोगों को यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8 1 जेन वाला चिपसेट मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया आप लोगों के लिए गेमिंग हो जाती है। तो गेमर्स के लिए तो ये फोन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, तो उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने नहीं मिलने वाला है। चलिए कैमराज में आ जाता हूँ, तो मेन कैमरा जो भी यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 50 पिक्सल का, देन आपको सॉरी 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 50 पिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलने वाला है आपको हेजल ब्लेड वाला, और यहाँ पे आपको एक टेलीस्कोप लेंस भी आपको 8 मेगापिक्सल का देखने मिल जाएगा। तीन कैमरा आपको दिए गए हैं रियर साइड में, तो बढ़िया कैमरा क्वालिटी बढ़िया होने वाली है, और डुअल OIS का सपोर्ट भी है यार। तो आप लोग भाई वीडियो अगर बनाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टेबलाइजेशन होने वाली है आप लोग की वीडियो क्वालिटी में। एंड मैं बात करूँ तो बैटरी के बारे में, तो इस बार भाई आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, एंड प्लस टाइप सी के साथ आपको इस बार 80 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है, जो बढ़िया बात मुझे लगी। एंड यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि भाई प्रीमियम फ़ोन है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग में आप 50 वोल्ट तक फास्ट चार्ज कर सकते हो, जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी। चलिए बढ़िया UI में आपको बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 12 आउट बॉक्स मिलेगा, एंड ये ऑक्सीजन OS के साथ रन करने वाला है। बहुत देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई चाइना में तो ये कलर OS के साथ जा रहे हैं कन्फर्म है, बट क्या इंडिया के अंदर भी होने वाला है ऐसा? नहीं देखो, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है। अभी 9RT जब आने वाला था ना, तो ये भी खबरें चल रही थी कि 9RT भी तो कलर उसके साथ नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो एक चाइना में तो कलर उसके साथ हो चुका है, बट इंडिया की मैं बात करता हूँ तो इंडिया में अभी करंटली ये कलर OS में नहीं हुआ है। अभी ऑक्सीजन OS अलग है एंड कलर OS अलग है, तो अभी नहीं किया है। हाँ हो सकता है इन फ्यूचर बहुत जल्द 2022 में भी हो सकता है, मैं कोई चांस मैं वो नहीं लेता आप लोग बोलने का, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा दरअसल, क्योंकि हो सकता है कभी भी क्या कब कलर OS, और देखिए कलर OS भी इतना बुरा नहीं है, मगर हाँ यह मैं मानता हूँ कि भाई कलर OS जितना है भाई ऑक्सीजन OS बहुत अच्छा है, तो ये आप लोग भी मानेंगे मुझे भी पता है। तो बता दें कमेंट करके आप लोग क्या लगता है, एंड मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कलर OS आपको पसंद है कि ऑक्सीजन OS, मुझे तो ऑक्सीजन OS पसंद है भाई, तो ये आप लोग बता दें। हाँ इंडिया के अंदर ऑक्सीजन OS ही आएगा, टेंशन अभी मत लेना, ठीक है। अब लॉन्च की बात कर लेता हूँ फाइनली कब इंडिया के अंदर लॉन्च होगी, क्योंकि भाई परसों ये चाइना के अंदर लॉन्च हो रहा है। तो इंडिया में मैं आपको बता दूं, ये आपको फरवरी के मंथ में देखने मिल सकता है या फरवरी मार्च में देखने मिलेगा, इन दोनों महीने में आपको देखिए डेफिनेटली इंडिया के अंदर देखने मिल जाएगा। और वन प्लस 10 प्रो नहीं मिलेगा, वन प्लस 10 भी मिलेगा, वन प्लस 10 प्रो मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है बढ़िया बड़ा लॉन्च इवेंट होगा भाई। तो बता देना कमेंट करके कैसे लगा। प्राइस के बारे में बात करना ही भूल गया हूँ, प्राइस तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इस फोन का प्राइस 50,000 रुपये के ऊपर होने वाला है, ये मुझसे आप जो है मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। हाँ ये वीडियो देख लेना, मैं सही बोल रहा हूँ, 50,000 नीचे नहीं होने वाले, ये बात याद रखना मेरा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोज़ बनाने के लिए, बट डेली वीडियोज़ नहीं बनते मुझे पता है, बट यार ये है कि अभी मैं कुछ नया सेटअप की तैयारियाँ में लगा हुआ हूँ, और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी इंप्रूव करनी है, तो वो भी देख लेना फ्यूचर में। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।